प्रीव्यू। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। ये दरअसल बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश देखा, और प्रवासी मजदूरों के लिए आपने कहा, प्रवासी मजदूर जो यहाँ के ऊपर आ रहे थे जिस टाइम लॉकडाउन था और बाहर से पैदल आ रहे थे, मैंने उनके लिए कोशिश की कि जो भी उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचे रहते, जिसको हम लोगों ने 12 घंटे और आगे पड़े होते किया, और उनको कुछ बिस्कुट वगैरह या जो भी अपने पास इमीडिएट मुहैया हो सका वो दिया, ताकि वो इस परेशानी में जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उससे वो बचें और थोड़ा सा उनको फायदा हो जाए। बाकी आज जो कोविड 19 को लेके भय लोगों में है, डर है, तो इस डर को लेके भय को लेके किसी भी सूरत से इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इससे बचने के लिए क्या क्या इससे बचने के लिए जो डॉक्टर्स की तरफ से या जो बड़े जो हैं तो लोगों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि किन किन चीज़ों से बचिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक को मना कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए, आप आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल ना कीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। तो इन चीज़ों के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। तीन चीज़ें ये आती है कि मास्क लगाएं, मास्क और सैनिटाइजर जो है वो तो बिल्कुल अब समझ लीजिए जीवन के साथ उस तरीके से हो गया जैसे बगैर घर से कपड़े पहने नहीं निकलते। हमको तो ये लगता है कि ये 2021 तक जाएगा। देखिए, कोई भी बीमारी जो आती है, महामारी होती है, उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कब तक चलेगी, लेकिन जब तक मौजूद है, जब तक हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, भविष्य में जो भी इससे पहले बीमारियाँ आई वो खत्म नहीं हुई, उनकी दवा ज़रूर तैयार हुई, दवा तैयार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, जब तक ये दिक्कत मौजूद है जब तक आदमी को पूरी एहतियात करना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर का ये है कि अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ के ऊपर आपने हाथ अपना कहीं टच किया है या लोगों के बीच आप रहे हैं, तो आपको सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए जितनी देर के बाद भी आप गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हाथों को धोने से किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस पर जो है तो हाथ बढ़िया साफ रहते हैं, और कोशिश यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अगर आप एहतियात कर सकें बाहर जाने में तो बाहर ना जाएँ, जहाँ तक ज़रूरी हो वहाँ जाएँ, और उसके बाद में हाथों को धोएं या सैनिटाइज करें। मास्क तो ज़रूर लगाना है, बगैर लगाए हुए अगर कोई आदमी निकल रहा है तो वो जानबूझ के अपना नुकसान करने के लिए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया में महामारी है और पूरी दुनिया के ऊपर भारी संकट है, खाली हिंदुस्तान उसमें नहीं है। जब सारी दुनिया में इस तरीके के मामला हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से चीज़ों के आने में दिक्कत हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत हो रही है, दूसरे मुल्कों से सामान आने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से इस टाइम दामों की बात नहीं हो सकती है। सभी चीज़ों के दाम नीचे ऊपर हो रहे हैं। हम लोग जो राशन बेच रहे थे उस राशन को देख रहे हैं कि राशन की क्या पोजीशन है। कल राशन जो चीज़ जो है तो 20 रुपये में थी, वही बढ़ के जो है तो 35 रुपये में हो गई, और जो 35 रुपये की चीज़ें थी यानी लोकल थी हमारी, वही चीज़ें जो है तो घट के 20 रुपये में रहे। मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच का मेन उद्देश्य क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेन उद्देश्य जो है वो हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके अंदर ये जो कट्टरता है, जिस कट्टरता की वजह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सुन्नी शिया, कभी देवबंदी बरेली, कभी हनफी और जो है अहले हदीस, ये जो डिस्प्यूट्स हैं इसको ख़त्म करके सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ एक जगह केवल हिंदुस्तानी बना के खड़ा किया जाए, क्योंकि धार्मिक जो काम है वो हमारे धार्मिक स्थलों पर होते हैं। समाज के बीच रहने के लिए, समाज के साथ जो है तो जुड़ने के लिए हमें पहले भारतीय बनना पड़ेगा, हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। बगैर मुल्क के आदमी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बगैर बाप के पैदा हुआ हो। दूसरे मुल्कों में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ भारतीय के नाम से, हिंदुस्तानी के नाम से हम पहचाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम और ये देवबंदी बरेलवी के नाम से नहीं पहचाने जाते हैं। इन चीज़ों को समझ के जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके अंदर जो शैतानियत है या जो है तो कट्टरता है उसको खत्म करने का। छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, घंटा घर में जो धरना दिया है,
इस मामले को लेकर घंटाघर का धरना, दूसरी सियासी पार्टियां जैसे उसमें समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बहुजन समाज पार्टी थी या अन्य वो एनजीओ जो धार्मिक एनजीओ चला रहे हैं या सियासी एनजीओ चला रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से सिर्फ एक काम था कि लोगों को गुमराह किया जाए। देखिए, हिंदुस्तान क्या किसी भी मुल्क का आदमी अपने मुल्क से लोगों को बाहर निकालने की बात नहीं करता है, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनके लिए एहतियात करना ज़रूरी है। वही एहतियात थी, CAA लागू किया गया था, उस टाइम तक तो NRC का कहीं पर कोई वो भी नहीं था, और CAA को लेकर लोग किस लाइन में बैठ गए थे। जो लोग धरने पर बैठे थे वो जानकार नहीं थे, उनको बहकाया जा रहा था, उनको गुमराह किया जा रहा था, इसलिए जो वहाँ धरने के ऊपर बैठे थे उसी भड़काव, उसी गुमराही को, उसी बहकावे को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने शपथ अभियान चालू किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पूरा इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कट्टरता और दुश्मनी और ये विवाद नहीं बनाना है। ये शपथ अभियान आपका कब से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा? ये हमारा शपथ अभियान जो है जून से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा 10 अगस्त तक रहेगा। 10 अगस्त को हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। इसको समाप्त करने के बाद जो भी हमारे पास से लिस्टें तैयार हो जाएंगी, शपथ लोग ले लेंगे, वो हम यहाँ से माननीय इंद्रेश कुमार जी को भेज देंगे। यदि आपके संगठन से कोई शपथ लेना चाहता है तो किस प्रकार से संपर्क करें? कोई वो नहीं है, हमारे नंबर सब जगह दिए हुए हैं, मुस्लिम रेस्टिमेंट के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं सबके पास ये शपथ पत्र मौजूद हैं, चाहे वो उनके माध्यम से कर ले, नहीं तो हमारा तो बाहर जो है तो बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है मुस्लिम रेस्टिमेंट का, तो कोई भी आदमी आना चाहे तो वो आए, इसमें हमारी तरफ से उसका वेलकम है। और शपथ लेने में उसको कोई ID या कोई आधार कुछ देना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है कि अपना नाम देना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है और एक हस्ताक्षर करना है। इसके अलावा कोई भी उसके ऊपर जो है तो जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आधार को लेकर भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अगर आधार दे दोगे तो वो तुम्हारा NRC में नाम जो है तो कैंसिल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ शपथ के लिए किया है ताकि लोगों के अंदर से भय खत्म हो और सब हिंदुस्तानी बन के, भारतीय बन के एक साथ हंसी खुशी मिलजुल के रहें। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।